995 और रह गई है। एक उदय भाव
एक सुनील और प्रमोद तीन दो, ये तीन भी ऊपर भरे थे लाल टोपी और प्रमोद और यार अनिल भैया भैया बेकार से झड़प गया। एक रह गई है जो बिते हैं, एक रह गई है ये जो कोने में निबटा दे रहे हैं। पूरी पूरी नहीं, गिनती गलत रह गई, एक और रह गई है कुछ नहीं। जोरदार ताली बजा दो, अभिनय ऐसा हो रहा है जैसे सचमुच में है। बेटा घबरा मत, बच्चे बिल्कुल मत डरो, ये वही है दिन में जो मंत्री रहते वही है। एक रह गई है और एक उंगली की तलाश में अंगुली माल जाल की बन में भटक रहा है। और इधर इसकी माँ सोचने लगी कि मेरा पुत्र बहुत दिनों से नहीं आया, चल मैं अपने पुत्र की तलाश में चलूंगी। अब धीरे धीरे इसकी मां आ रही है जंगल में, धीरे धीरे मैया चल रही है। बूढ़ी मैया जा रही अपने बेटा की तलाश में, बैठ जाओ रे बैठ जाओ, इतने बैठ के बेटा सब देखे। हे कन्हैया पूरी झांकी का आनंद आराम से लिए बैठ के लीजिए, बैठ जाओ सब देखेगा। और कल रात की झांकी तो जरूर खतरनाक, बस आ जाइए। और जैसे ही देखोगे जिस सफेद सफेद को भूत से चला रहे, जाइए मार दो इसको। पगले को पता नहीं है ये मेरी माँ है, क्योंकि ये डाकू हो चुका था। चारों तरफ देख के ये बूढ़ी सी दिख रही है, गुड़ कैया सी, मारो के नहीं मारो, चलो कछु हो बूढ़ो मरे के जवान मोए हत्या के काम। और मोए तो पूरा टारगेट कर लो अपनो पूरा, और लेके फसाए ये डुकैया के पीछे ये मरे वो को पट रहे हो डुकैया के पीछे भाजो। और जैसे ही फसाए लेके वह डुकैया के पीछे अंगुली माल भाजो और फसा मार नहीं पाओ दोनों तो भगवान बुद्ध ने कुर्सी ले आओ बेटे। सभी अपनी जगह पे बैठ जाओ, जो उत्पात था वो तो कम हो गया, बैठ जाओ। घोड़ा बैठा भी मत बैठ रहो, आदमी की बैठ रहो, बैठो आदमी की, बैठ जाओ। अब बुद्ध दिखाई दिए तो बुद्ध के पीछे पड़ गया कि सफेद तो चली गई बच्चे को शंडा जाए देखे और फसा मारे जी का चक्कर जा मैं मार रहा हूं जो दस का तो मांगे दिखाई दे रहा हूं नहीं देख रो गयो का ही मातो और इच्छे जाए रो इच्छे जाए रो ये कहाँ गया कहाँ गया चला कहाँ जाता फरसा तो शरीर में मारता हूँ लेकिन गया कहाँ रुक जा
अंगुलीमाल महात्मा को नहीं पहचान पाया क्योंकि डाकू था, मानवता पूरी चली गई थी व्यवहार से। आप लोग थोड़ा और मंच को थोड़ा खाली करिए, थोड़ा नहीं वहां तक खाली करिए, ये पेटी रखी वहां तक। अनिल और पीछे हो जाओ, ये ऊपर वाले मंच पे आ जाओ, ऊपर वाले खाली, ऊपर वाले पे आ जाओ। सुनील जी आप भी विकास ऊपर वाले पे आ जाओ, वहां पूरा खाली कर दो, आप भी आ जाओ ऊपर, ठीक है पीछे हो जाओ। डाकू ने आवाज लगाई, रुक जा ओरे कसाई, एक मिनट ए बाबा तुमको रोकोगी, सुनिए कि मैं तो रुक गया हूँ, मैं तो रुक गया हूँ, किसी को जिंदगी नहीं दे सकता तो तुझे जिंदगी लेने का भी अधिकार है। अच्छा दे न पाया जिंदगी क्यों ले रहा है जिंदगी, देश कान जिंदगी ले रहा है जिंदगी, दिल में हुआ रे अल्लाह रे अल्लाह, दिल में हुआ रे अल्लाह, दिल में हुआ रे अल्लाह रे अल्लाह, दिल में हुआ रे अल्लाह, खोज ले शक्तिशाली हूँ। क्या क्या कर सकते हो तुम? मैं पहाड़ को भी धूल बना सकता हूँ और जमीन में से पानी निकाल सकता हूँ। इतने बड़े शक्तिशाली हो तो फिर मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। कौन सा काम? क्योंकि तुम तो बहुत बड़े शक्तिशाली हो, फिर मैं तुझे मार सकता हूँ। हाँ फिर मार दे। हाँ बताओ। तो ये पेड़ देख रहे हो नीम का? हाँ दिख रहा है मुझे। तो इसमें से एक पत्ता तोड़ के निकालेगा, बस इतना छोटा सा काम। हाँ इतना छोटा सा ही कर देगी। लो पूरी कितना छोटा काम, लो पूरी ताड़ी तोड़ चुका हूँ, लो तोड़ दिया, तोड़ दिया। अरे पूरी डाली नहीं तो एक पत्ता तोड़, बस मैं डाली तोड़ सकता हूँ तो पत्ता कौन सी बड़ी बात है। लो तोड़ दिया, तोड़ दिया। हाँ अरे तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। वो तो हूँ। तो तुम एक छोटा सा काम और कर दीजिए। कौन सा छोटा सा काम? जो तुमने ये पत्ता तोड़ा है उसी जगह पे वापस लगा दीजिए। अरे हाँ
लगाए बेटा तू तो पुराने खुश फैमी को लगा ले प्राइवेट फैक्ट्री को। अरे ये नहीं रुक लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? ये तो बहुत असंभव बात है। तुम तो बहुत बड़े शक्तिशाली हो, तुम तो पहाड़ों को भी धूल बना सकते हो। ये तो छोटा सा काम ऐसे कर दीजिए। वो नहीं हो पा रहा। ओ बेटा देखे ध्यान सुनो सुनो, तुझे मानवता से प्यार नहीं, ओ जीवन किसी को देने सका तो लेने का है। तथागत बुद्ध का सम्मान इस झांकी के हमारे भैया जी ने किया है। जो हमारा ताली बजा दिया आपने। अब तक तूने उंगली माल भारी पाप कमाया है, एक पत्ता तू लगा सकाना अब कायर तू कह। अरे भगवान, हाँ बोलिए, आप मुझे कहीं पहले मिल जाते तो शायद मैं इतना अन्याय अत्याचार नहीं करता। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ना तो तथागत बुद्ध ने चाटा मारा।